Now this is our lecture second, class 12th, chemistry, chapter 15th, polymers कर रहे हैं हम, chapter 15 हमारा polymers, topic क्या है हमारा, classification based upon mode of synthesis, यानी उसके बाद जो polymers थे उनको classify किया गया, ये हमारा fourth है, fourth type of classification of polymers, clear ना भाई, classification of polymers based upon the mode of सिंथेसिस. मोड ऑफ सिंथेसिस कौन होता है? मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. क्या बोलते हैं इसको? मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. यानी जिस टाइप से इनको बनाया जाता है ना उसके आधार पे भी इनको क्लासिफाई किया गया. यानी पॉलीमराइजेशन के आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया कितने प्रकार से भाई? टू टाइप्स से. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस या ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन द पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इन टू द टू टाइप्स. जो पॉलीमर्स थे उनको क्लासिफाई किया गया कितने पार्ट के अंदर भाई? दो पार्ट के अंदर. जो सबसे पहला पार्ट था वो क्या था भाई? हमारे एडिशनल पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स या एडिशनल पॉलीमर्स. एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं भाई? दीज आर दोज पॉलीमर्स या दीज आर दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर सिंपली मेड बाय द कंबिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स. जो किनसे बनते हैं भाई? कंबिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स से बनते हैं. एंड देयर इज नो लॉस ऑफ स्मॉलर मोलिक्यूल्स. यानी विदाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स. बाई प्रोडक्ट उनको बोलते हैं जो एक्स्ट्रा मोलिक्यूल होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है. बोलिए ना. तो क्या होता है? ए पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटेड मोनोमर यूनिट्स विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स. विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज नोन एज द एडिशनल पॉलीमर्स. यानी दीज आर दोज पॉलीमर्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच आर सिंपली मेड अप बाई डायरेक्ट कंबिनेशन या डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटेडली स्ट्रक्चरल यूनिट्स या मोनोमर यूनिट्स विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स. विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स नोन एज द, क्या कहलाता है हमारा वो? Additional polymers. And this phenomena is known as the additional polymerization. क्या कहलाता है ये? Additional polymerization. जो ये हमारी additional polymerization होती है ये किस तरह की होती है? It is also known as the chain growth polymerization. क्या बोल देते हैं इसको? Chain growth polymerization. दोबारा ध्यान दे. एंड दीज आर दोज पॉलीमर्स विच आर सिंपली मेड अप बाई द कंबिनेशन ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल मोनोमर यूनिट्स विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स. यानी बाई प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स के एलिमिनेशन के बिना क्या कहलाते हैं भाई हमारे वो? एडिशनल पॉलीमर्स. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द एडिशनल पॉलीमराइजेशन. एंड दिस पॉलीमराइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. क्या बोलते थे भाई इसको? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोल देते हैं. क्लियर ना? कैसे? इसके अगर एग्जांपल आप देना चाहो तो पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपीन है, जितने भी हमारे एग्जांपल एडिशन पॉलीमर्स के क्या है भाई? हमारे एडिशन पॉलीमर्स के पॉलीथीन है, पॉलीथीन या पॉलीथाइलिनी, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. क्लियर? पैन, पॉलीएसराइलोनाइट्राइल पैन. इसका एक नाम होता है ओरलोन. क्या नाम होता है भाई? ओरलोन, इसी का नाम है. तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है भाई हमारे? या पॉलीप्रोपाइलिनी. क्या नाम है भाई? पॉलीप्रोपाइलिनी. यानी प्रोपीन की कॉम्बिनेशन से बनता है पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलिनी. यानी बहुत सारी प्रोपीन आपस में जुड़ेंगी. क्या बनाएगी? पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलिनी. दीज आर ऑल ऑफ आर द एग्जांपल ऑफ एडिशनल पॉलीमर्स या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. क्लियर भाई? इसके और भी एग्जांपल है हमारे. बूना एस जो हमारी रबड़ होती है वो भी, बूना एन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हमारे एडिशनल पॉलीमर्स के अंदर. यानी होमोपॉलीमर्स भी इसके एग्जाम्पल हैं, कोपॉलीमर्स भी इसके एग्जाम्पल हैं. किसके भाई? एडिशनल पॉलीमर्स. क्लियर? नाउ सेकंड वन है भाई हमारी कंडेंसेशन पॉलीमर्स. क्या बोलते हैं जिसको हम? कंडेंसेशन पॉलीमर्स. एंड दिस पॉलीमराइजेशन इज नोन एज द कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. और इसका एक नाम और होता है, जैसे उसका नाम क्या था भाई? चेन ग्रोथ. और इसका नाम होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. क्या बोल देते हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज द अदर नेम ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन.
इस केस में क्या होता है, ए पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर देन टू मोनोमर यूनिट्स बाय द एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स था, इसके अंदर बाय द एलिमिनेशन, इसमें एलिमिनेशन होता है किसका भाई, सिंपल मॉलिक्यूल्स का, एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स। और वो सिंपल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे सच्चा है आपका वाटर हो गया H2O या अमोनिया NH3 एटसेट्रा, इस प्रकार से इनके लॉस से बनते हैं, क्लियर ना। कंडेंसेशन कहते हैं कंडेंस होते हैं और क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल एलिमिनेट खत्म होते हैं लाइक वाटर या अमोनिया एटसेट्रा, उनको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड इट इज आल्सो नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इन विच when the two or more monomer units condense with each other then there will be the loss of simple molecules like water and ammonia known as the condensation polymers and this phenomenon is known as the condensation polymerization। और condensation polymerization के अंदर हमारे पास example क्या होते हैं भाई, हमारे जैसे nylon 66 bakelite एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ किसके भी हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कई बार क्वेश्चन भी अरेज होता है कंपेरिजन बिटवीन एडिशनल पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स एडिशनल पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बीच में क्या होता है कंपैरिजन, तो इसको तो क्या बोलते हैं एडिशनल पॉलीमर को, दिस इज नोन एज द एडिशनल पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और दिस इज नोन एज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, क्लियर ना। इसके अंदर देर इज नो लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड अमोनिया, लेकिन इसके अंदर क्या होता है देर इज लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड अमोनिया, इट कंटेन ओनली वन मोनोमर यूनिट, मोस्टली क्या होता है इसके अंदर एक ही मोनोमर यूनिट होती है, कई बार दो भी होती हैं लेकिन मोस्टली जनरली इट कंटेन ओनली वन मोनोमर यूनिट एंड इट कंटेन मोर देन वन मोनोमर यूनिट, यानी दो या दो से अधिक भी हो जाती हैं, यानी मोस्टली टाइप होती है टू मोनोमर यूनिट्स होती है, क्लियर ना। दे आर क्या होते हैं भाई हमारे जनरली अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, एडिशनल पॉलीमर क्या होते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और ये क्या होते हैं दे कंटेन ओनली टू फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है भाई मैंने पढ़े थे पॉलीस्टायरीन पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीथीन, इसके एग्जाम्पल है पॉलीप्रोपीन, क्लियर। लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या है नाइलॉन 66 टेराइलिनी डेक्रोन बेकेलाइट मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, याद रखना है ये हमारी चेन ग्रोथ है, यानी चेन के अंदर क्या होती है ग्रोथ होती है चेन ग्रोथ, और ये किससे बनते हैं भाई स्टेप ग्रोथ, इनके अंदर लॉस ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता, इनके अंदर लॉस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, दे कंटेन ओनली वन मोनोमर यूनिट मोस्टली, दे कंटेन मोस्टली टू मोनोमर यूनिट्स, क्लियर ना। देर इज नो लॉस ऑफ वाटर एंड अमोनिया, यानी सिंपल मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता, देर इज सम लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर एंड अमोनिया, ये कंपैरिजन होता है इसके भाई एडिशनल एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एक कंपैरिजन क्या हो जाएगा इन दोनों के एग्जांपल्स का, एडिशनल के एग्जांपल डिफरेंट है कंडेंसेशन के एग्जांपल डिफरेंट है, क्लियर भाई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एडिशनल पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिनकी मैंने बताई थी जिनको बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन टॉपिक क्या है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, जो हमने बात की थी अभी एडिशनल पॉलीमराइजेशन एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर, उन्हीं के आधार पे पॉलीमर्स पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं जो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होती है इट इज क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स रिएक्शंस, पहली क्या होती है भाई हमारी एडिशनल पॉलीमराइजेशन, क्या होती है एडिशनल पॉलीमराइजेशन, जो मैंने अभी आपको बताई है, जिसका दूसरा नाम क्या था भाई चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन का इंक्रीज होना चेन की ग्रोथ होना, क्लियर। दूसरी क्या होती है भाई हमारी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन,
कंडक्शन से प्रोसेस का क्या नाम होता है? दूसरा भाई स्टेप ग्रोथ, क्या नाम होता है भाई? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दो टाइप की भाई हमारी, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड अदर वन इज नोन एज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दो टाइप की पॉलीमराइजेशन है भाई हमारी, क्लियर ना। अब पहले बात कर रहे हैं हम एडिशनल पॉलीमराइजेशन यानी एडिशनल पॉलीमर्स या चेन ग्रोथ पॉलीमर्स की, जो किससे बनते हैं भाई? चेन की ग्रोथ से। द पॉलीमर्स इन विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर एंड कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू लॉन्ग चेन या बाय द एडिशन ऑफ टू और मोर मैनी मोर सिंपल मोनोमर यूनिट्स आर नोन एज एडिशनल पॉलीमर्स, और जिनको क्या बोलते हैं हम? चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। जो ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है चेन ग्रोथ की, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो तीन टाइप का होता है। इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप ऑफ मैकेनिज्म, तीन टाइप का मैकेनिज्म होता है, थ्री मैकेनिज्म्स। जो पहला मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है हमारा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है भाई? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन। दूसरी क्या होती है? कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन या कैटायनिक मैकेनिज्म। और थर्ड वन क्या होती है भाई? एनायनिक, एनायनिक पॉलीमराइजेशन। जो एनायनिक है और कैटायनिक जो मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म और कैटायनिक मैकेनिज्म, दे आर नॉट इंक्लूड इन आवर सिलेबस, क्लियर। ये हम आगे फ्यूचर में पढ़ते हैं, जब बड़े क्लासेस में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म जो पता था या जो हमारा कंडेंस एडिशनल पॉलीमराइजेशन, वो तीन टाइप से होती है, फ्री रेडिकल, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और क्या होती है? फ्री रेडिकल। तो कैटायनिक और एनायनिक तो है नहीं, हमारा क्या है? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। कौन सा होता है हमारा? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, क्लियर ना। क्या होता है? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। जो हमारा एडिशनल पॉलीमराइजेशन था या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इट कंटेन द थ्री टाइप ऑफ द मैकेनिज्म्स। फर्स्ट वन क्या था? फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन। दूसरा क्या था? कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तीसरा क्या था? एनायनिक पॉलीमराइजेशन। क्या है भाई हमारे पास? क्या है? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, एनायनिक और कैटायनिक नॉट, क्लियर। हमारा क्या है भाई? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल में क्या होता है? इट इज कैरिड आउट इन थ्री स्टेप, तीन स्टेप होते हैं इसके। दिस मैकेनिज्म या दिस पॉलीमराइजेशन इज कैरिड आउट इन थ्री स्टेप्स। कितने स्टेप्स में कैरिड आउट होता है भाई? ये तीन स्टेप्स के अंदर कैरिड आउट होता है। जो पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। क्या होता है भाई वो हमारा? चेन इनिशिएटिंग स्टेप। द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज कैरिड आउट, द फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन इज कैरिड आउट इन टू थ्री स्टेप्स। जो पहला वाला स्टेप होता है क्या होता है हमारा? चेन इनिशिएटिंग स्टेप। इसके अंदर क्या होता है? जो हमारे पास ऑर्गेनिक परोक्साइड्स होते हैं, ऑर्गेनिक परोक्साइड्स अंडरगो द होमोलाइटिक फ्यूजन। कौन से फ्यूजन में जाते हैं भैया? होमोलाइटिक फ्यूजन में जाते हैं, होमोलाइटिक फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब कहता है टूटना, और होमोलाइटिक का मतलब कहता है सिमेट्रिक फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिक फ्यूजन। यानी अगर मान लें किसी चीज के बीच में बॉन्ड है और एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, जैसे वो बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए लेगा, एक इलेक्ट्रॉन बी। मान लिया ए और बी के बीच में बॉन्ड है भाई, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? होमोलाइटिक फ्यूजन। तो पहला स्टेप में क्या होता है? ऑर्गेनिक परोक्साइड्स जो होते हैं अंडरगोज होमोलाइटिक फ्यूजन टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स विच एक्ट एज इनिशिएटर। जो किसका काम करते हैं भाई? इनिशिएटर का। तो इसमें क्या होते हैं हमारे पास? परोक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? परोक्साइड्स। और जैसे परोक्साइड टूटेंगे दे विल कन्वर्ट इन टू द रेडिकल्स। क्या बनाएंगे भाई? रेडिकल्स। और जो किसी तरह काम करेंगे? एक्ट एज इनिशिएटर। किसी तरह काम करेंगे भाई? इनिशिएटर की तरह, डिनोट बाई आई एन, डिनोट बाई आई एन, दे एक्ट एज द इनिशिएटर, इनिशिएटर शुरुआत करने वाले। दोबारा ध्यान दे, इन फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनिक जो परोक्साइड्स होते हैं, ऑर्गेनिक परोक्साइड्स अंडरगोज द होमोलाइटिक फ्यूजन एंड कन्वर्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स विच एक्ट एज द इनिशिएटर। जो किसका काम करेंगे भाई? इनिशिएटर का। तो परोक्साइड्स टूट जाते हैं किसके अंदर? रेडिकल्स के अंदर, जो बिहेव करते हैं एक्ट एज द इनिशिएटर। किसका काम करते हैं भाई? इनिशिएटर का काम करते हैं, क्लियर ना। और ये जो इनिशिएटर होते हैं, कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है एल्किन का, उसके अंदर जुड़ जाते हैं किसके रूप में भाई? फ्री रेडिकल की फॉर्म में। कैसे भाई? हमारे पास जो इनिशिएटर थे ये किस में जुड़ेंगे भाई? हमारे पास एल्किन में, जिसके पास क्या है? डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड,
CH2 जैसे रिएक्ट करेंगे तो इनिशिएटर जुड़ जाएगा CH2 और इसके पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री। और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया भाई, इनिशिएटर के पास, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, जो किसे जुड़ गया भाई, इनिशिएटर से जुड़ गया। क्लियर ना, इसको बोलते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप, पहला स्टेप है हमारा। दूसरा होता है हमारा चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या होता है, जो हमारा फ्री रेडिकल बना था, द न्यू फ्री रेडिकल एक्ट टू ए डबल बॉन्ड टू मोनोमर टू फॉर्म ए लार्जर फ्री रेडिकल, वो से जुड़ता चला जाएगा और एक लार्जर बड़ा वाला फ्री रेडिकल बनता चला जाएगा, और वो फ्री रेडिकल एड्स टू अनदर एल्किन मॉलिक्यूल टू फॉर्म इवन लार्जर फ्री रेडिकल। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहेगी, यानी वो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ते जाएंगे और तब तक जुड़ते जाएंगे जब तक कि क्या ना बन जाए, हमारा पॉलीमर ना बन जाए। कैसे भाई, हमारे पास क्या था, इनिशिएटर जुड़ा था एल्किन से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 जुड़ गया था भाई, ये दोबारा फिर से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा भाई, एल्किन से जुड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस एल्किन के डबल बॉन्ड पे भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे चला जाएगा, और क्या बनाएगा ये, फिर से हमारा रेडिकल है यहाँ पे इनिशिएटर CH2 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 CH2, फिर से जुड़ेगा एल्किन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्किन से, चलती रहेगी प्रोसेस। इस डबल बॉन्ड पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये इससे फिर जुड़ जाएगा, जैसे ये इससे जुड़ा था, क्या बनाएगा, फिर लंबी चेन हो जाएगी CH2 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 CH2, और ये प्रोसेस चलती रहेगी, और कब तक चलती रहेगी, जब तक लास्ट में हमारा क्या नाम बन जाएगा भाई, हमारा लास्ट के अंदर क्या नाम बन जाएगा, हमारा क्या नहीं बन जाएगा भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या ना बन जाए, पॉलीमर ना बन जाए। क्लियर, इस प्रकार से, और ये हमारा क्या होता है, पॉलीमर होता है, क्या होता है हमारा, पॉलीमर होता है, यानी ये फ्री रेडिकल तब तक जुड़ते जाएंगे एल्किन से जब तक लास्ट तक हमारा क्या ना बन जाए, पॉलीमर ना बन जाए। दिस इज नोन एज द चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। फ्री रेडिकल जुड़ेगा न्यू एल्किन से, फिर से बड़े वाला फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर से जुड़ेगा एल्किन से, फिर और बड़े वाला फ्री रेडिकल बनाएगा, वो एल्किन से फिर जुड़ेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक लास्ट में हमारा क्या ना बन जाए, पॉलीमर ना बन जाए। अब लास्ट स्टेप होता है हमारा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होता है भाई, इन दिस स्टेप जो हमारा फ्री रेडिकल है वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा रिमूव हो जाएगा। द अबाउ चेन रिएक्शन टर्मिनेट्स व्हेन द टू फ्री रेडिकल्स कंबाइंस, जब हमारे दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे ना तो चेन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। करिए ना, किस प्रकार से भाई, मान लिया हमारे पास एक फ्री रेडिकल हमारा क्या था, ये इनिशिएटर CH2 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 CH2, इस प्रकार से चल रहा है फ्री रेडिकल। दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे और दे कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 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 CH2, इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 CH2 और लास्ट में फिर इनिशिएटर, इस प्रकार से। दिस इज आवर लास्ट स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इन दिस स्टेप, ये स्टेप कवर होता है, इन दिस स्टेप टू, व्हेन द टू फ्री रेडिकल्स, जब दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं, व्हेन द टू फ्री रेडिकल्स कंबाइन विद ईच अदर, दे कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, क्या होता है हमारा, फाइनल प्रोडक्ट, एंड दिस स्टेप इज नोन एज अ चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। क्लियर भाई, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एडिशनल पॉलीमर्स। अब हम पॉलीमर्स की बात करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे कि हमारे पॉलीमर्स कैसे बनाए जाते हैं। टॉपिक क्या भाई हमारा, प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, उसके बाद कौन से पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी हम,
पॉलीमर्स की। कौन से पॉलीमर्स हमारे? एडिशनल पॉलीमर्स, प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स या एडिशनल पॉलीमर्स, जिसका पहला एग्जांपल है भाई हमारा फर्स्ट वन क्या है, पॉलीइथाइलीन, पॉलीइथाइलीन जिसको आप क्या बोलते हो, पॉलीथीन, क्या बोलते हो, पॉलीथीन, पॉलीइथाइलीन बोल दो या पॉलीथीन बोल दो। ये जो हमारी पॉलीथीन या पॉलीथाइलीन है ये कितने टाइप की होती है भाई, इट इज क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, पॉलीथीन और पॉलीथाइलीन इज क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। ये हमारी कितने टाइप की होती है भाई, दो टाइप की होती है, पॉलीथीन और पॉलीथाइलीन इज क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, दो टाइप्स की होती है, एक क्या होती है हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक क्या होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन LDP, दूसरी क्या होती है भाई हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एक क्या होती है हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक क्या होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास या ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स से क्लासिफाई किया गया, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास या ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर फोर्स। पहले क्या थी LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन नोन एज LDP, दूसरी क्या है हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। वन बाय वन स्टडी करेंगे भाई, पहले किसको स्टडी करते हैं, फर्स्ट वन हमारी LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्या होती है भाई लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसके अंदर क्या होती है हमारे पास इथिन होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन के n मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, टेम्परेचर होता है 350 टू 370 केल्विन टेम्परेचर एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ अप्रोक्सीमेटली लगा लो आप 1000 से लेकर 2000 ATM प्रेशर होता है, क्लियर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, CH2 डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या थी इथीन, मोनोमर यूनिट है, क्या है इथीन या इथाइलीन मोनोमर यूनिट, और ये क्या बन जाएगी पॉलीथीन, क्या बन जाएगी पॉलीइथीन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन, पढ़ी थी ना हमने पॉलीमराइजेशन। और कौन सी है भाई हमारी एडिशनल पॉलीमराइजेशन विच इज नोन एज द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इन दिस केस द पॉलीथीन इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग द प्योर इथिन टू द 350 टू 370 केल्विन टेम्परेचर एट वेरी हाई प्रेशर अप्रोक्सीमेट 1000 टू 2000 ATM इनटू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन या परोक्साइड की प्रेजेंस में, परोक्साइड क्या होता है हमारा कैटलिस्ट या इनिशिएटर काम करता है, इनटू द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड्स और किसकी प्रेजेंस में भाई ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन विच कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, क्या बना देती है वो पॉलीथीन बना देती है, और दिस पॉलीथीन इज नोन एज अ लो डेंसिटी पॉलीथीन, रीजन होता है बिकॉज इसका मास क्या होता है लो होता है, इट कंटेन लो मास एंड इट हैज इट्स डेंसिटी इज आल्सो लो, लो डेंसिटी क्या होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन नाम से ही हो रहा है, तो इसका मास भी लो होता है, इसकी डेंसिटी भी क्या होती है लो होती है, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, और दूसरा इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो लो, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है कम होता है, क्लियर ना, और इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है बनाते वक्त 350 टू 370 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर होता है 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM का मीनिंग होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर, और प्रेजेंस किसी होती है परोक्साइड्स या स्ट्रेसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। ये है हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये क्या होती है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है लो होती है, क्लियर ना, लेकिन टफनेस क्या होती है हाई, इट्स टफनेस इज हाई बट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लो, फ्लेक्सिबल ज्यादा होती है, और इट इज केमिकली इनर्ट इन नेचर, क्योंकि केमिकली क्या होती है अनरिएक्टिव होती है, तो इट इज केमिकली इनर्ट इन नेचर, क्या होती है भाई वो पॉलीथीन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूजेस ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन, अब यूज कहां कहां आती है, यूजेज ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक तो किस काम में आती है भाई, इट इज यूज फॉर पैकिंग द मटेरियल, पैकिंग मटेरियल में काम आती है, पैकिंग के अंदर, इट इज यूज इन द पैकिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लास्टिक फिल्म बैग्स, हमें पता होगा ना वो प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं जो पॉलीथीन बैग मिलते हैं वो किसके मिलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन के होते हैं।
या इट इज यूज फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बता रहा है केमिकली क्या है, इनर्ट होती है. और जो पॉलीथीन होती है, आपको पता होगा कई बार क्या होता है विलेजेस में या शहरों में भी वायर के चारों तरफ से क्या बांध देते हैं, पॉलीथीन को बांध देते हैं, क्योंकि पॉलीथीन क्या होती है, इंसुलेटर होती है. इलेक्ट्रिक गन क्या होता है, इंसुलेटर. पॉलीथीन क्या होती है, इंसुलेटर इन नेचर. तो ये क्या होती है, इट इज यूज फॉर द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर ना, जो वायर और केबल्स होते हैं उनके चारों तरफ लपेटने काम आती है. और यूज क्या होता है, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप, टॉयज, टॉयज बनाने में काम आती है, खिलौने वगैरह, या स्क्विज बॉटल्स, इन बनाने काम आती है. क्या काम आती है, लो डेंसिटी पोलोथीन या फ्लेक्सिबल पाइप जो होते हैं ना, जो नरम नरम पाइप आते हैं ना फ्लेक्सिबल, उन पाइप्स को बनाने के काम भी आती है. क्या काम आती है भाई, हमारी लो डेंसिटी पोलोथीन, ये इसके यूज थे भाई. नेक्स्ट वन है भाई हमारी सेकेंड टाइप जो इसकी है वो क्या है, हाई डेंसिटी पोलोथीन, HDPE, हाई डेंसिटी पोलोथीन. नाम से ही हो रहा है, इसकी डेंसिटी भी हाई होती है, इसका मास भी हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है. और ये भी कहती है केमिकली इनर्ट इन नेचर होती है. लेकिन इसके अंदर बनाते वक्त उसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आए थे. इसमें टेम्परेचर हाई रहेगा लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा. CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एन मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 333 टू 343 केल्विन, 6 to 7 एटमोसफियर प्रेशर. लेकिन इसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, वो याद रखना आपको, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट का यूज करते हैं. जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस. और ये कैटलिस्ट क्या होता है हमारा, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यानी C2H5 ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम विद TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है हमारा R3 एल्काइल ग्रुप, R3Al प्लस TiCl4. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर जिगलर नाटा कैटलिस्ट. क्या भाई हमारा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, या ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. किसे काम आता है, हाई डेंसिटी पोलिथीन को बनाने के काम आता है. उसमें कैटलिस्ट क्या था, परोक्साइड्स थे, एट्रेसिस ऑफ ऑक्सीजन थी. इसमें क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट. और किसका निर्माण करेगा भाई, ये हमारा हाई डेंसिटी पोलिथीन का निर्माण करेगा, हाई डेंसिटी पोलिथीन. क्लियर भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, हाई. और इट इज हार्डर एंड टफर देन द लो डेंसिटी पोलिथीन, इसकी डेंसिटी भी हाई होती है. क्लियर ना, इस कारण से. अब इसके यूजेस, ये यूज कहाँ पे होता है भाई, यूजेस ऑफ हाई डेंसिटी पोलोथीन, हाई डेंसिटी पोलोथीन के हमारे यूज कहाँ कहाँ होते हैं भाई. इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर, यानी टब वगैरह बनाने का मतलब, टब्स वगैरह, या बकेट वगैरह बनाने का मतलब, बकेट्स इस प्रकार से, या डस्टबिन वगैरह जो स्ट्रॉन्ग होती है ना पोलोथीन, उसमें काम आता है, डस्टबिन वगैरह, इन चीज़ों को बनाने का काम आता है. या इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट हाउसवेयर या पाइप्स, जो स्ट्रॉन्ग पाइप होते हैं ना वो बनाने का काम आता है. क्या काम आता है भाई हमारा, हाई डेंसिटी पोलोथीन, क्योंकि ये कहता है हाई डेंसिटी होती है, मजबूत होता है, ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, वो हाई फ्लेक्सिबल होता है. उसका मेल्टिंग पॉइंट लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, उसकी डेंसिटी लो, इसकी डेंसिटी हाई. वो केमिकली इनर्ट होता है, ये भी केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है. लेकिन इसका मास लो, इसका मास क्या होता है, हाई होता है. क्लियर ना, ये फर्क है हमारा किसके अंदर भाई, लो डेंसिटी पोलोथीन एंड हाई डेंसिटी पोलोथीन. क्लियर, पहला था भाई हमारा पॉलीमर पॉलीथीन या पॉलीथाइलीन, दूसरा क्या है भाई हमारा टेफ्लॉन, सेकंड पॉलीमर, सेकंड एडिशनल पॉलीमर. क्या नाम है भाई, टेफ्लॉन, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PTFE. फुल फॉर्म क्या होती है भाई, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन. क्लियर ना, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन इज नोन एज द टेफ्लॉन. क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन. और इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है, जैसे पहले वाले की मोनोमर यूनिट क्या थी भाई, मोनोमर यूनिट, जो मोनोमर यूनिट थी पॉलीथीन क्या थी, इथीन. इथीन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ लो डेंसिटी एज वेल एज हाई डेंसिटी पॉलीथीन. लेकिन इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, TFE, पी को हटा दो, पॉली को, टेट्रा फ्लोरो इथीन. क्या होती है भाई, टेट्रा फ्लोरो इथीन. क्या होती है हमारी, F2C डबल बॉन्ड CF2, F2C डबल बॉन्ड CF2, टेट्रा फ्लोरो इथीन, या 1 1
2-2 टेट्राफ्लोरोइथीन एज यू विश, कैसे भी नाम रखते हो आप। ये क्या होता है हमारा F2C डबल बॉन्ड CF2। अब इसको बनाते कैसे हैं, जैसे ये रिएक्ट करेगी इनटू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको हीट करेंगे हाई प्रेशर के साथ। किसके साथ भाई, हाई प्रेशर, क्लियर ना। जो इसके अंदर हमारा कैटलिस्ट यूज होता है वो क्या होता है, अमोनियम पर सल्फेट होता है। अमोनियम पर सल्फेट कैटलिस्ट यूज होता है। अमोनियम पर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा कैटलिस्ट होता है अमोनियम पर सल्फेट NH4 की 2S2O8, क्लियर ना। नाम क्या भाई, अमोनियम पर सल्फेट। नाम क्या है, अमोनियम पर सल्फेट। जैसे रिएक्ट करेगा हीट करेंगे हाई प्रेशर के साथ तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा F2C सिंगल बॉन्ड CF2। तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, N। नाम क्या होगा इसका, टेफ्लॉन या टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, सॉरी इट इज मोनोमर यूनिट और इट इज पॉलीमर। ये क्या हमारा पॉलीमर्स है, क्लियर। ये क्या होता है, काफी टफ मटेरियल होता है और इट इज आल्सो केमिकली इनर्ट इन नेचर। ये भी केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है और काफी क्या होता है, टफ होता है। और साथ साथ इट इज आल्सो द बैड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। टेफ्लॉन भी क्या होता है हमारा, बैड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर भाई। नाउ यूजेस, अब इसको यूज कहां करते हैं टेफ्लॉन के, यूजेस ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को यूज कहां करते हैं भाई, इट इज यूज एज ए मटेरियल रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल अटैक। क्योंकि ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट इन नेचर होता है, तो ऐसी जगह यूज होता है जहां पे केमिकली अटैक होता है, क्लियर ना, बिकॉज इट इज केमिकली इनर्ट इन नेचर। तो इट इज यूज एज ए मटेरियल रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकली अटैक। जहां पे हीट का अटैक होता हो, जहां केमिकली रिएक्शंस होती हो, वहां पे इसका यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। किसका यूज करते हैं भाई हम, टेफ्लोन का। दूसरा, इट इज यूज फॉर कोटिंग द आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल के ऊपर कोटिंग के काम आता है। क्योंकि ये क्या होता है, हीट क्या होता है, इनर्ट इन नेचर हीट का, और केमिकल भी क्या होता है, इनर्ट इन नेचर। तो कोटिंग आर्टिकल, यानी जो हमारे कुकिंग आर्टिकल्स होते हैं, कुकवेयर होते हैं, उनके ऊपर कोटिंग करने काम आता है, क्लियर। यानी इट इज यूज फॉर मेकिंग द नॉन स्टिकिंग यूटेंसिल्स, नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स। और क्या काम आता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग द गास्केट्स, पंप पैकिंग वाल्व की बनाने का होता है, वाल्व वगैरह। और क्या काम आता है भाई, ऑयल सील्स, ऑयल की जो सील वगैरह होती है उनके काम आता है, ऑयल सील्स के काम आता है भाई हमारा। और क्या काम आता है भाई, पंप पैकिंग के अंदर, पंप पैकिंग्स। और किस काम में आता है भाई, गास्केट वगैरह बनाने का आता है, गास्केट्स। तो देर आर द वेरियस यूज ऑफ इट, क्लियर ना। और इट इज ऑल्सो यूज एज नॉन लुब्रिकेटेड बीरिंग्स, क्लियर ना, नॉन लुब्रिकेटेड बीरिंग्स एटसेट्रा। ये हमारे क्या है भाई, यूजेज ऑफ टेफ्लॉन। दिस इज द सेकंड एडिशनल पॉलीमर्स। नेक्स्ट वन, थर्ड एडिशनल पॉलीमर हमारा क्या भाई, हमारा वो पैन, PAN। दूसरा नाम क्या था मैंने उसका, ओरलोन। क्या होता था, ओरलोन। और पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली एसराइलो नाइट्राइल, पॉली एसराइलो नाइट्राइल, क्लियर ना। तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, मोनोमर यूनिट ऑफ पैन, पी को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, एसराइलो नाइट्राइल इज द मोनोमर यूनिट, एसराइलो नाइट्राइल। फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। यानी वैसे ये क्या हमारा, विनाइल साइनाइड बोल सकते हो आप इसको, विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड इज अ कॉमन नेम, विनाइल साइनाइड या एसराइलो नाइट्राइल, एसराइलो नाइट्राइल, क्लियर भाई। इस प्रकार से इसके नाम है, या आप अगर IUPAC नेम लिखना चाहें तो 1, 2, 3, तो प्रोप 2-in-1 नाइट्राइल ऐसे भी रख सकते हो, प्रोप 2-in-1 नाइट्राइल। ये वैसे कॉमन नेम क्या भाई, नाम से हो जाएगा, एसराइलो नाइट्राइल या विनाइल साइनाइड। इसके द्वारा इसको बनाते हैं, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं बनाते वक्त, और वो कैटलिस्ट क्या होते हैं, परोक्साइड्स। बनाते कैसे भाई इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, इसको ऐसे लिखते हैं। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, इसके N मॉलिक्यूल्स हैं। किसकी प्रेजेंस होती है भाई, परोक्साइड्स एक्ट एज कैटलिस्ट। जैसे रिएक्ट करवाएंगे क्या बनाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड, ये आपस में N मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, पैन, पॉलीएसराइलो नाइट्राइल।
ये क्या इसकी मोनोमर यूनिट, एसराइलोनाइट्राइल, ये विनाइल साइनाइड, क्लियर ना भाई। ये भी क्या होता है, इट इज वेरी हार्ड इन नेचर, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस, क्लियर ना। और इट इज आल्सो नोन एज ओरलोन या एक्रिलोन, एक्रिलोन भी बोल देते सम टाइम, इट इज आल्सो नोन एज द एक्रिलोन। एक्रिलोन क्लियर भाई। इसके यूज क्या होते हैं, नाउ यूजेज ऑफ पेन ओरलोन या एक्रिनोल, इसके यूज क्या होते हैं, इट इज यूज फॉर मेकिंग द सिंथेटिक कारपेट, जो कारपेट वगैरह होते हैं सिंथेटिक, उनको बनाने का आता है सिंथेटिक कारपेट्स। और किसका में आता है, इट इज यूज एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल फॉर मेकिंग द ब्लैंकेट वगैरह बनाने में, स्वेटर वगैरह बनाने में, या बाथिंग सूट्स वगैरह उनके बनाने में काम आता है, क्लियर ना। इट इज यूज एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल फॉर मेकिंग, किसका में रहता है बनाने का भाई, ब्लैंकेट्स वगैरह, स्वेटर या बाथिंग जो सूट होते हैं ना, नहीं जो स्विमिंग सूट होते हैं उनको बनाने के काम में आता है। क्या काम आता है भाई हमारा, पेन, क्लियर भाई। ये क्या था भाई हमारा थर्ड वन। तो पॉलीथीन होगी हमारी लो डेंसिटी हाई डेंसिटी, दूसरा क्या था टेफ्लोन, थर्ड क्या था भाई हमारा पॉलीएसराइलो नाइट्राइल, क्लियर। नाउ वी आर, ये हमारे क्या थे भाई एडिशनल पॉलीमर्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंडेंसेशन पॉलीमर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या भाई हमारा, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर उसके एग्जांपल्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।